श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा यमुना डोल रही है, धामी गंगा यमुना डोल रही है, मोदी धामी बोल रही है। पुष्कर भाई जी को जय श्री राम। आज चिन्यारी सोड़ की इस जनसभा में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और टिहरी लोकसभा की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी का भी हम इस जनसभा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र राणा जी का, आदरणीय केदार सिंह रावत जी पूर्व विधायक, आदरणीय मनवीर चौहान जी प्रदेश मीडिया प्रभारी, आदरणीय सतेश सिंह राणा जी विधानसभा प्रभारी, भरत सिंह रावत जी सह संयोजक, डॉक्टर स्वराज विद्वान जी राष्ट्रीय मंत्री एससी मोर्चा, श्री चैन सिंह मेहर जी मंडल अध्यक्ष, राम सुंदर नौटियाल जी पूर्व राज्य मंत्री, विमला नौटियाल जी, शैलेंद्र कोहली जी प्रमुख, सोवेंद्र मिश्र जी मंडल अध्यक्ष, परशुराम जगोड़ी जी, चंडी बेलवाल जी प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा, ज्योत सिंह बिस्ट जी, आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत अभिनंदन करे और जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसके अलावा मैं आमंत्रित करता हूं इस विधानसभा के संयोजक केदार सिंह रावत जी पूर्व विधायक को कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सांसद जी को पुष्प गुच्छ देकर भेंट करें और जोरदार तालियों से हमारे प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी का स्वागत करें। महामाला के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का महामाला से स्वागत अभिनंदन करें। सभी मंडल अध्यक्ष महामाला से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी का स्वागत अभिनंदन करे। मैं इस राम सुंदर नौटियाल जी को की स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के स्वागत में दो सब एक बार जरा सब लोग बोलेंगे, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, धाकर धामी जिंदाबाद, धाकर धामी जिंदाबाद, धर्म रक्षक धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आज चिन्यारी सौड में आयोजित लोकसभा क्षेत्र की हमारी प्रत्याशी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के जन समर्थन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, बहुत युवा और कर्मठ नेता, उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं इस जनसभा में आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस सभा के अवसर पर आप सब कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी यहां उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, सबके सभी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रदेश की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा इन वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया, और केवल लागू नहीं किया गया तो उन योजनाओं को धरातल पर उतार करके समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उनका लाभ पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। मैं आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके मध्य में आए,
हमारे राज्य के अंदर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक काम हुए, चाहे वो समान नागरिक संहिता अधिनियम कानून का पास होना हो, जिसके माध्यम से पूरे देश नहीं तो पूरी दुनिया के केंद्र में उत्तराखंड आया है। पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड राज्य की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की चर्चा होती है। इसी प्रकार से चाहे नकल अध्यादेश का कानून हो, जिसके माध्यम से हमारे युवा बेरोजगार युवाओं के लिए पारदर्शी नौकरी प्रक्रिया को के माध्यम से युवाओं को पारदर्शिता के साथ उनकी योग्यता के आधार पर उनके लिए नौकरी के मार्ग सुलभ हुए हों, इसी प्रकार से चाहे महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण का विषय हो और अनेक अनेक ऐसे कानूनों को जब मैं गिनने लगता हूं तो घंटे और दिन कम पड़ जाते हैं। हमारे इसी विधानसभा के अंदर जो सिलकेरा टनल था, वहां पर एक हादसा वो हो गया था। उस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर बाबा बोखनाथ की कृपा से और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही डट करके दिन रात उसकी निगरानी करते हुए हमारे एक एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया, इस प्रकार से ऐसे अनेक काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आम जो हमारी परिकल्पना है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उसके जीवन की आर्थिकी को उठाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, उसके पूर्व हमारी लोकसभा की सांसद हमारी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हम सबके मध्य में पहुंची, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबने 19 अप्रैल को अपने बूथ पर जा करके अपने मतदान केंद्र पर जा करके कमल के सामने वाला बटन दबा करके आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकल्प रहित संकल्प है इस देश के इस राज्य के विकास के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना उसमें अपना योगदान देना है, यही निवेदन और यही आग्रह करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः बहुत स्वागत और अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं इस विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय केदार सिंह रावत जी को, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। आदरणीय केदार सिंह रावत जी। भारत माता की, भारत माता की। चिन्याली सौड जो यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र का केंद्र बिंदु है कि आज इस जनसभा के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता यशस्वी विकास करने वाले नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आपका मैं अपने इस विधानसभा क्षेत्र में आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारी प्रत्याशी टिहरी लोकसभा क्षेत्र जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक पे है, उसको आप सब लोगों के सहयोग से आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस समय भी पूरे हिंदुस्तान में वोटों की गिनती की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाले मतों की संख्या में नंबर एक पे रखना है, इसके लिए क्या आप लोग सहमत हैं? धन्यवाद। हमारे जिले के अध्यक्ष सत्येंद्र राणा जी और सम्मानित मंच, मैं ज्यादा न कहते हुए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको पता है पूरे प्रदेश में और देश में भी अन्य जगह उन्होंने जाना है, उनकी जनसभाओं के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, आज भी उनकी एक दो जनसभाएं और क्षेत्रों में लगी हैं, तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके नेतृत्व में जो पिछली सरकार भी थी और ये सरकार भी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े काम भी विकास के हो रहे हैं और आम से आम गरीबों के भी काम हो रहे हैं, राशन से लेकर के बिजली पानी से लेकर के उज्ज्वला गैस योजना से लेकर के किसान सम्मान निधि से लेकर के पेंशन की योजना से लेकर के, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी दो बार यहाँ मौका मिला और सड़क शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी आप देख रहे हैं पार आर्क ब्रिज, ऐतिहासिक आर्क ब्रिज का निर्माण हुआ यहाँ डिग्री कॉलेज में जहाँ जनसभा हो रही है, दो दो फैकल्टी भवनों का आर्ट्स और साइंस के भवनों का निर्माण हुआ, 5 करोड़ रुपए से यहाँ पे
छात्रावास का निर्माण हुआ है, डिग्री कॉलेज ब्रह्मकाल, डिग्री कॉलेज बड़कोट का, यहाँ पे चिकित्सालय की क्या स्थिति थी वो आप सब लोगों को पता है, वहाँ भी सुविधाएं हुई, डॉक्टर्स बढ़ाए गए, हर तरह के विकास कार्य हो रहे। भाई और बहनों, 47 सड़कों का जो है ऐतिहासिक निर्माण पिछले मेरे कार्यकाल में किया गया था, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूरी अपेक्षा है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र का अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला इस समय बढ़ चढ़ कर के वोटों के रूप में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के लिए भी अपने पूरे खुले दिल से जो है वो आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से उनका स्वागत करते हुए, आप दूर दूर से आए भाई और बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत सारे वक्ता हैं, सभी वक्ताओं से माफी मांगते हुए मैं अपनी लोकसभा के प्रत्याशी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात यहां के जनता जनार्दन के बीच में रखें। माननीय महारानी जी, मैं सबसे पहला माँ यमुनोत्री गंगोत्री दोनों को नमन करती हूँ, और यहाँ आए हुए सभी लोग, बहुत गर्मी में आप लोग बैठे हैं मुझे पता है, हमारे यहाँ बहुत ही हमारे सभी का लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी जी, हमारे पूर्व विधायक केदार सिंह जी, हमारे सत्येंद्र जी, सुयाल जी, मनबीर जी, और हमारे हमेशा उत्तराखंड में और उत्तरकाशी में हमेशा आगे बढ़ते स्वराज जी, भरत सिंह और विनोद सुयाल जी, मैं भूल जाती हूँ, अपने लोग को हमेशा भूला जाता है। सम्मानित मंच, समय कम है इसलिए मैं लंबा नहीं करूँगी। आप सबको पता है ये 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो 50 साल में भी नहीं हुआ, आप लोग सब जानते हैं, और मुझे लगता नहीं मुझे ज़्यादा डिटेल में बोलने का ज़रूरत है। हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से सुनेंगे ये सब बातें, और जो 2 साल में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो हमारे डबल इंजन ने काम किया है, उसके लिए मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सभी आप लोग से ये निवेदन करती हूँ कि आने वाले 19 तारीख को जो वोट पड़ना है, सबसे पहला आप लोग उठकर अपना अपना वोट दीजिए। करेक्ट वोट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि इसने दिया उसने नहीं दिया, और ये आप लोग को ये एक बात मैं जरूर बोलूंगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा, ये जो टिकट है एक महिला का, महिला को मिला है पूरा उत्तराखंड में, ऑपोजिशन ने भी एक महिला को ये टिकट नहीं हुआ, महिला का मान और सम्मान हम जो देते हैं वो आदरणीय मोदी जी देते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए हर एक महिला का और हर एक पुरुष का ये वोट है, ये मेरा वोट नहीं है, हर एक आप लोग का है, क्योंकि टेरी में टेरी सबसे नंबर वन है पूरा हिंदुस्तान में, और मुझे पूरा विश्वास है आज तक हमेशा आपने आगे किया है टेरी को, और इस बार भी करेंगे, आपका प्यार और आशीर्वाद, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार है, मुझे आप लोग पर पूरा विश्वास है। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद सांसद जी, और मैं आमंत्रित करता हूं जिनको सुनने के लिए आप सभी लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, कि वो आए अपना सब। भारत माता की, भारत माता की। अभी जिंदाबाद शॉट की, इस विशाल सभा में आप सब लोग जिनको अपना मत समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र की
सांसद और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सतेंद्र राणा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय केदार सिंह रावत जी, श्री मनवीर सिंह चौहान जी मीडिया प्रभारी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी, सत्य सिंह राणा जी प्रभारी यमुनोत्री विधानसभा, भरत सिंह रावत जी पूर्व जिलाध्यक्ष, स्वराज विद्वान जी राष्ट्रीय मंत्री, राम सुंदर नोटियाल जी, विमला नोटियाल जी, शैलेंद्र कोहली जी प्रमुख रुंडा, पवन नोटियाल जी जिला महामंत्री, परशुराम जगुड़ी जी रैली प्रमुख, चंडी बेलवाल जी, हरि मोहन जी, चैन सिंह मेहर जी, सौमेंद्र बिष्ट जी, विजय बड़ोनी जी, जयवीर सिंह जाड़ा जी, जोत सिंह बिष्ट जी, जय नोटियाल जी और हमारे बहुत वरिष्ठ देहरादून से भी नोटियाल जी आए हैं, कुलानंद नोटियाल जी, हमारे विनोद सुयाल जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज यहां पहुंचे और इतनी देर तक आप सब लोग यहां पूरा अपने रैली में चलकर हम सबका जोश उत्साह बढ़ाया, सबका अभिवादन किया। मैं भी यमुना माँ की और गंगा माँ की इस धरा पर इस पूरे क्षेत्र के इष्ट एवं आराध्य देव भगवान नागराजा महाराज एवं माता राज राजेश्वरी जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है और महारानी जी को आप अपना समर्थन दे रहे हैं। इनके समर्थन के साथ साथ आपका समर्थन सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को जा रहा है तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि ये जो चुनाव है 19 अप्रैल को होने वाला चुनाव, ये इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 सालों तक देश के लिए तपस्या की है, एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, उसका प्रतिफल मिलने का चुनाव है और उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। माला लक्ष्मी शाह जी को आप सब जानते हैं, बेदाग छवि है उनकी, हमेशा जो अपने क्षेत्र के काम है, संसद के काम है, पार्टी के काम है, उनको लगातार आगे बढ़ाती हैं, लगातार जितना उनसे बन पड़ता है हमेशा करने की कोशिश करती हैं। मैं उन्हीं के लिए आज आप सब से एक बार निवेदन करने के लिए आया हूं, आपने उनको पहले भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया है, इस बार का चुनाव थोड़ा हर बार के चुनाव से अलग हो रहा है। इस बार का चुनाव यह है कि आप देश में कहीं बात करिए, आप पूछिए कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो लोग कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। क्या कहते हैं, मोदी जी की सरकार बनने वाली कहेंगे ना। अगर आप पूछेंगे इस पूरे टेरी लोकसभा में कौन जीतने वाला है, तो लोग कहेंगे यहां तो महारानी माला लक्ष्मी शाह जी ही जीतने वाली है। तो भाइयों बहनों, अब इस बार आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई है, उनको चुनाव में खड़े होने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। हर बार उनके यहां ये होता था कि देश आजादी के बाद से कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लगातार सिफारिश करवाते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में सिफारिश किस बात के लिए हो रही थी बड़े बड़े नेताओं की, कि हमको चुनाव में खड़ा नहीं होना है, टिकट मुझे न मिले, इस बात की सिफारिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था भाइयों बहनों कि इस बार के चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। देश की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने उभरते हुए भारत को देखा है, मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व को देखा है, विश्व में जिस प्रकार से भारत की साख बढ़ी है, पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है 10 वर्षों में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। चाहे आज G20 सम्मेलनों की अध्यक्षता हो, दुनिया ने भारत को नजदीक से देखा है कि भारत की सामर्थ्य क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबी और पिछड़ेपन को
जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है, विकास को समाज के अंतिम छोर में पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। हम सबको पता है जो भी योजनाएं उन्होंने लागू की है वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, महिलाओं के उत्थान को समर्पित है, नौजवान युवाओं को समर्पित है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र की तरक्की हो ये मोदी जी ने उसके लिए मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस प्रयास इस मंत्र को मूल मानकर मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। चाहे आज जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, हर घर से नल पहुंचाने की हर घर से नल जल पहुंचाने की योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे इज्जत घर बनाने की योजना हो, देश के अंदर 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया गया है, ड्रोन दीदी शुरू किया गया है, लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू हुआ है, एक के बाद एक अनेक अनेक कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किए हैं। भाइयों बहनों, ये केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं है बल्कि ये सब कार्यक्रम मोदी जी की गारंटियां हैं जो देश के करोड़ों गरीब लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने का काम कर रही है, उनके जीवन में खुशियां लाने का काम कर रही है। और मोदी जी ने इसके साथ साथ बहुत सारे कड़े निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं धारा 370 हटाई गई है, सीएए का कानून लाया गया है, देश में 3 तलाक समाप्त किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक जब देश के ऊपर दुश्मनों ने हमला किया पुलवामा में अटक होता है तो देश की सेना विदेश की धरती पर अपनी सीमा से पार जाकर दुश्मन की धरती पर उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करती है। भारत की सेना आज हर तरीके से मजबूत हुई है। आज देखिए, पहले के समय में सेना को आदेश लेना पड़ता था, गोली चलाने के लिए आदेश मांगना पड़ता था, कोई सीमा पार से गोली आती थी तो हमारे जवान खड़े रहते थे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, आदेश कर दिया कि अब गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना है बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। हम सब जानते हैं नागरिक, देश के अंदर हम माँ गंगा के प्रदेश के हैं, यमुना के प्रदेश के हैं, चार धाम के रहने वाले हम लोग हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं और राम भक्त भी हैं, राष्ट्रभक्त भी हैं। लंबे समय से हम सबकी मांग थी, हम सबकी प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान श्री राम पैदा हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, उनके जन्म स्थान पर एक भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, लंबा कालखंड बीत गया और लोग इंतजार करते रहे, हम भी इंतजार करते रहे, भगवान रामलला का मंदिर नहीं बन पाया। वो शुभ घड़ी भी हमको, उस शुभ घड़ी को हमें साक्षात करने का काम, उस शुभ अवसर का प्रतिभागी होने का अवसर हमें अगर किसी ने दिया है तो यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करनी हो, या जो सैनिक हमारे सीमाओं पर तैनात होते हैं उनको अच्छे बूट मिले, अच्छे उनको उपकरण मिले, अच्छे जैकेट मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, उनका मनोबल बढ़ा रहे, ये काम किसी ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये काम भी मोदी जी के आने के बाद संपन्न हुआ। सैनिकों का मनोबल आज हर क्षेत्र में बढ़ा है, आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण अवसरों पर भी आप सबके दम पर आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, हमने चुनाव में किया हुआ अपना वायदा पूरा किया है, समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर विधेयक के रूप में आज पारित हो गया है, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, एक तरफ हम तो कह रहे हैं समान नागरिक संहिता का कानून हमने उत्तराखंड में लागू कर दिया है, अन्य प्रदेश भी आगे चलकर इसका लाभ लेंगे। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होता है और वो घोषणा पत्र में कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसकी जो बातें हैं उन बातों को हम सरकार में आने के बाद उनको लागू करेंगे। भाइयों बहनों, अब देखिए तुष्टिकरण की हद हो गई, 60 सालों तक इस देश पर राज किया, शासन किया, आज भी वोट बैंक के लिए देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक से एक अच्छे कानून आ रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, कश्मीर में एक देश के अंदर एक विधान एक निशान और एक प्रधान आज लागू हो गया, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने तुष्टिकरण से बाहर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर हमने नकल विरोधी कानून लागू किया, आप सबको पता है ये नकल का जो काम था, ये नकल का जो अपराध था वो किस प्रकार से हावी था, उसके कारण से प्रदेश के जो नौजवान युवा भाई बहन थे
उनके भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ हो रहा था। भाइयों बहनों, उनके अंदर योग्यता भी होती थी, प्रतिभा भी होती थी, क्षमता भी होती थी, लेकिन अगर वो परीक्षा में भाग लेते थे तो परीक्षा में उनको चयन का अवसर नहीं मिलता था। आप सोचिए, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा था, किस प्रकार का पक्षपात हो रहा था। भाइयों बहनों, जैसे ही हमें पता लगा कि ये इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे बेटे बेटियों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमने तत्काल कार्रवाई करी और 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, नकल माफिया की कमर पर चोट करने का काम किया, नकल माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। भाइयों बहनों, हमें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सहयोग से हम आगे बढ़े और हमने उत्तराखंड के अंदर सख्त नकल का अध्यादेश लागू कर दिया। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 2 वर्षों में आज रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां हुई हैं भाइयों बहनों, और रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां सारी निष्पक्षता के साथ हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं, बिना नकल के हुई हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज नौकरी में जाने का ठीक रास्ता मिल गया भाइयों बहनों, आसान रास्ता मिल गया है कि पढ़ाई लिखाई करिए, कोई सेटिंग गटिंग नहीं चलेगी, कोई नकल नहीं चलेगी, किसी प्रकार का जो है पक्षपात नहीं होगा, किसी प्रकार की नकल माफिया की सेट साठगांठ नहीं चलेगी। आज जो भी बच्चे हमारे ठीक प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके माता पिता जो उनके लिए सपने देख रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। एक एक गरीब माता पिता का बेटा और बेटी एक साथ चार चार परीक्षाओं में उनका नंबर आ रहा है भाइयों बहनों, ये इसलिए संभव हुआ कि नकल का अध्यादेश लागू हुआ। इसी प्रकार से हमने प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए हो, या दंगा रोकने के लिए हो, या अतिक्रमण रोकने के लिए हो, इस पे भी हमने कठोर कार्रवाई की है। दंगा रोकने के लिए हमने कठोर कानून बना दिया कि भविष्य में आप कोई दंगा करेगा तो एक एक पाई की वसूली और उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति उसी आदमी से की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चीजों को कोई सम्मान नहीं मिल सकता, कोई स्थान नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है, अतिक्रमण 4,000 एकड़ से भी ज्यादा हमने हटाया है। भाइयों बहनों, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में, हमने पूरे प्रदेश के अंदर महिला शक्ति के उत्सव आयोजित किए, आपके उत्तरकाशी में भी यहाँ पर उत्सव आयोजित हुआ था, हजारों हजार की संख्या में मेरी बहनों ने, माताओं ने यहाँ भाग लिया था, दीदी भूलियों ने भाग लिया था, और इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो, हमारी महिलाएं आगे बढ़े, हर क्षेत्र में उनको अवसर मिलने चाहिए, उनके बनाए हुए उत्पादों को बाजार मिलना चाहिए, अच्छा स्थान मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, इसको लेकर हमने उत्तराखंड के अंदर ये प्रावधान कर दिया है, 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया है। भाइयों बहनों, हम आज महिला सम्मान के लिए महिला सशक्त उत्सव बहना योजना भी हमने लॉन्च की है पिछली दीपावली में, हाउस ऑफ हिमालय का ब्रांड हमारी माताओं बहनों के लिए कि उनके उत्पादों को देश दुनिया में जगह मिले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से उसका भी उद्घाटन हो गया है। आने वाले समय में हमारे उत्पादों की जो मांग है वो देश दुनिया में बढ़ रही है, वो उत्पाद हमारे जाएंगे और अच्छे अच्छे उत्पाद बनाने का काम हमारे स्वयं सहायता समूह के लोग स्थानीय उत्पादों से कर रहे हैं, छोटे लघु उत्पादों से कर रहे हैं, लघु उद्योगों से कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में हमने सुनिश्चित कर दिया है कि जिसके कारण से हमारी महिलाओं को राज्य के अंदर सरकारी नौकरियों में आने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने 3 गैस के सिलेंडर, हमने कहा था साल में हम मुफ्त भर कर देंगे, और 2022 में सरकार बनने के बाद हमने जहां UCC लागू किया, ये हमारा वायदा था, मोदी जी की गारंटी है, और ये गारंटी पूरी हो गई भाइयों बहनों। इसके साथ साथ 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में हम रिफिल करके दे रहे हैं, 1,82,000 परिवारों को आज 3 सिलेंडर की सुविधा मिल रही है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। महालक्ष्मी किट योजना हमने शुरू करी है, लखपति दीदी योजना शुरू करी है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना शुरू करी है, वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि हमने बढ़ाई है और इसमें प्रावधान किया है। पहले केवल घर में 2 वृद्ध होते थे, 2 बुजुर्गों में से 1 को पेंशन मिलती थी, 1 को नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, आपस में कई बार उनमें तकरार हो जाती थी, हमने कहा नहीं, हमारे बुजुर्गों को तकरार नहीं करनी है, दोनों के लिए हमने पेंशन की व्यवस्था कर दी और 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए पेंशन हमने कर दी है। इस प्रकार से होम स्टे योजना हो, गरीब परिवारों के लिए अन्य योजनाएं हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में,
हम तेजी से काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हवाई सेवाएं हमारे लिए आधार है, चार धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था हो, अच्छी हेली व्यवस्था हो, अच्छे रुकने के स्थान उनके लिए बने, उन सब पर हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। यमुनोत्री क्षेत्र में बहुत सारे काम यहाँ किए गए हैं, अभी केदार जी ने बताया, अभी महारानी जी ने भी कुछ बताने के प्रयास किया था, बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया। समय की कमी के कारण से आप लोग ज्यादा नहीं बोल पाए, पूरी विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, 52 करोड़ से भी अधिक की लागत से आर्थ ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है, 15 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, ग्राम सभा नाग में माता रेणुका देवी मंदिर में बहुत सारे विकास के कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी 166 करोड़ से अधिक की लागत से जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये तो हम लोग लगातार समर्पित होकर मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको याद होगा 2014 से पहले का समय, एक समय वो था कि हर दिन कोई ना कोई घपला, कोई ना कोई घोटाला रोज नया नया निकलता था। इनके घोटाले अगर गिनाने लगेंगे भाइयों बहनों तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये घोटाले इनके समाप्त नहीं होंगे, इनकी लिस्ट है खत्म ही नहीं होती है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस को सरकार में आने का अवसर नहीं मिला तो घोटाले करने का भी अवसर नहीं मिला, इसलिए वो तड़प रही है भाइयों बहनों, उनकी तड़प साफ दिखाई देती है। कांग्रेस राज में देश में आतंकी हमले होते थे, मुंबई के 5-स्टार होटल में, ताज होटल में आतंकी हमला हुआ, लेकिन तब भी कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, जवाबी कार्रवाई के रूप में कुछ नहीं किया, इसलिए लगातार इनके हौसले बढ़ते रहे। आज देश में जब से मोदी जी के रूप में एक दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री है, तभी तो आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, भारत का नाम लेने से भी डरता है। भाइयों बहनों, सर्जिकल स्ट्राइक को याद करके पाकिस्तान के आतंकी थर थर कांपने लगते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण किया है, वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है, इन्होंने श्री राम मंदिर को बनाने की बात नहीं की, और जब मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया तो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से भी मना कर दिया। भाइयों बहनों, ये बताता है कि ये भगवान राम को लेकर इनके मन में कितनी कुंठा भरी हुई है। हम सबके आराध्य देव भगवान राम, जिनका हम हर क्षण और हर पल नाम लेते हैं, उन भगवान राम को भी ये नहीं मानते भाइयों बहनों, ये किसको मानेंगे? ये वोटों के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, ये लोग अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण आजकल सनातन धर्म को भी गाली देते हैं, कहते हैं ये वायरल फीवर है, कीड़े मकोड़ों की तरह है सनातन धर्म, और संस्कृति को नीका दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उत्तराखंड में भी आप देख रहे होंगे, इनकी परिवारवादी सोच के कारण से परिवार के लोगों को ही टिकट देने का काम हो रहा है, और जहां हमारी पार्टी ने एक महिला को आपके बीच में महिला प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सम्मान के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा, वही कांग्रेस ने किसी महिला को चुनाव में मैदान में उतारने तक की भी नहीं सोची। भाइयों, कोई टिकट देने तक की भी नहीं सोची, ये इनका महिला विरोधी चेहरा है, ये उजागर हो गया है। भाइयों बहनों, सनातन विरोधियों, महिला विरोधियों और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड की धरती से विशेष लगाव है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। अनेक योजनाएं आज आने वाले समय में हमारे लिए आने वाली है। भारत जब तीसरी अर्थशक्ति बन रहा होगा तो उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। साथ ही मोदी जी ने उत्तराखंड में G20 के 3 कार्यक्रम हमको दिए, जिसके कारण से पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड की पहचान बढ़ी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का मोदी जी ने हर कदम पर साथ दिया है, अब हमारी बारी है, हम आदरणीय मोदी जी का साथ देंगे और उन्हें देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में योगदान देंगे। इसके लिए हम सभी को मिलकर फिर से एक बार पूरे उत्तराखंड के अंदर 5 की 5 सीटों पर कमल खिलाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि 19 अप्रैल को आप सभी मिलकर इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और एक बार इसलिए हम लोग वोट करेंगे, इस बार का वोट है सशक्त भारत के लिए, इस बार का वोट है सामर्थ्यवान भारत के लिए,
इस बार का वोट है समृद्ध भारत के लिए, इस बार का वोट है हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, इस बार का वोट है दुनिया के अंदर भारत का डंका बजे, इस बात का वोट है कि पूरी दुनिया का नेतृत्व तो भारत करे, इस बात का वोट है कि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। भाइयों बहनों इस बात का वोट है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बने, इस बात का वोट है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए हमने 19 तारीख को पहले जैसा महारानी जी ने कहा कि हमको पहले मतदान करना है उसके बाद ही आकर जलपान करना है। ये मत सोचिएगा कि महारानी जी जीत रही हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, अगर मैं वोट देने नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं वोट देने नहीं जाऊंगी तो क्या होगा। भाइयों बहनों इस महायज्ञ में जो वोट देगा पुण्य का भागी भी वही बनेगा, यानी कि स्वयं के हाथों से कर्म करना है और उस कर्म का फल आगे चल के भगवान हमको देंगे जब मोदी जी पूरी दुनिया में हमारे देश को सबसे ऊपर ले आएंगे, दुनिया का नेतृत्व तो करने वाला भारत बन जाएगा, हर प्रकार से भारत के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा, माताओं बहनों का जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आज बहुत शुभ दिन है, आज चैत्र की नवरात्रि भी शुरू हो रही है, हमारा हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, मैं उसकी भी आप सबको बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए और हम सब लोग एक बार मिलकर विजय का उद्घोष करेंगे। मैं कहूंगा अब की बार आप कहेंगे 400 पार, फिर मैं कहूंगा एक बार, फिर एक बार आप कहेंगे मोदी सरकार, अब की बार, अरे जोर से मुट्ठी बांध के एक बार बोलिए जब भाई, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भगवान नागराजा जी की, काशी विश्वनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को सूचना है कि